हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 1। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड है, इसका एरिया हमें गिवन है। एरिया मतलब आप वो पोर्शन जिसमें हम बैठ सकते हैं, जिस फ्लोर को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एरिया यहाँ पे हमें गिवन है 22,176 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। फेंसिंग करना मतलब इसकी बॉर्डर के ऊपर क्या कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं। जैसे कोई वायर लगा रहे हैं, पूरे वायर को, जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो काऊ है या फिर और भी कोई एनिमल है, उनको एक एरिया में बंद करने के लिए चारों तरफ क्या कर देते हैं, बॉर्डर बना लेते हैं, वायर की फेंसिंग कर देते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी जो सर्कुलर पार्ट है, इसकी बॉर्डर पे आपको फेंसिंग करनी है। तो उसका रेट आपको यहाँ पे ₹50 पर मीटर गिवन है। तो आपको पता करना है कि यहाँ पे इस पूरे जो सर्कुलर फील्ड है, जिसका एरिया आपको गिवन है, उसके बॉर्डर पे फेंसिंग करने का टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो वो हम तब बता सकेंगे जब हम सर्कुलर पार्ट की लेंथ अगर हमें पता है, क्योंकि जितना वायर यहां लगेगा, पर मीटर वायर का रेट आपको यहां पे गिवन है, तो जितना वायर यहां पे लग रहा है उतना हमें पता होगा फेंसिंग करने के लिए, तभी हम उसको 50 से मल्टीपल करके और फाइंड करेंगे कॉस्ट को। तो इस एरिया से सबसे पहले हम क्या फाइंड करने की कोशिश करते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस। जो ये बॉर्डर है, इसको हम यहाँ पे पेरीमीटर भी कहते हैं, सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सर्कुलर पार्ट का रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमें तो एरिया गिवन है। तो इस एरिया की हेल्प से पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस की हेल्प से फिर हम इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस जितना भी आएगा उसको हम 50 से मल्टीपल करके और कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो गिवन हमने यहाँ राइट कर लिया कि फेंसिंग इज मेड ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड, सो वी रिक्वायर्ड रेडियस फॉर इट। तो हमें रेडियस पता करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एरिया जो है सर्कुलर प्ले ग्राउंड का, वो है 22,176 है। तो किसी भी सर्कुलर फील्ड का एरिया, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे इक्वल वैल्यू को पुट कर लिया। पाई की वैल्यू हमें पता होती है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो आप कोई भी पुट कर सकते हो, 22/7 भी पुट कर सकते हो या 3.14 भी पुट कर सकते हो। तो इसके अंदर पाई की वैल्यू हमें पता है, आर हमें फाइंड करना, और ये वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है। तो एक ही वेरिएबल हो गया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल हम इजीली ले लेंगे। तो वेरिएबल को हम एक तरफ रख लेते हैं और इसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं। 22,176 इनटू जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से। तो ये हो गया हमारा 11 टाइम, ये हो गया 1, फिर आपका 17, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 आएगा 8 टाइम, 1 बचा 16 आया 8 टाइम, ठीक है। अब देखो 11 के टेबल में 11 भी आता है और 88 भी आता है, तो डायरेक्ट 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 11 कैंसिल हुआ 1 टाइम, 0 एज इट इज, और 88 कैंसिल हुआ आपका 8 टाइम, तो 108 इंटू 7 बच गया। तो आपको यहाँ आर चाहिए, तो आर आपका स्क्वायर इधर हट के स्क्वायर रूट हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, बट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि रेडियस जो है वो सर्कल की लेंथ है। अब आपको रूट से बाहर निकालना है, तो 7 के तो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, हम 108 के फैक्टर बना के देखते हैं। जिनकी भी पेयरिंग होगी वो रूट से बाहर आते हैं। तो 2 के टेबल में 10 आया 5 टाइम, 8 आया आपका 4 टाइम। अच्छा, यहाँ पे आपका एक 0 और आएगा, क्यों, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। 1000 आएगा, क्योंकि 11 आया 1 टाइम, ये 0 आपका एज इट इज हो गया। फिर 8 11 के टेबल में नहीं आता है, तो हमें एक और 8 यहाँ पे लेकर आना है। देखो आप इस तरह से यहाँ डिवाइड करिए, 1 1 0 8 8, तो 11 के टेबल में 1 टाइम आ गया 11, तो 0 हो गया। फिर इसके बाद ये 0 के यहाँ पे 11 के टेबल में आता है, 0 आप एज इट इज लिख लोगे। फिर आपने 8 लेकर आया, लेकिन 8 भी 11 के टेबल में नहीं आता, तो एक 0 लिख के हम इसको नीचे ले गए थे। अब आपका 8 टाइम आया 88, तो इस तरह से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1008 आएगा, तो 10 आ गया 5 टाइम, 0 ये 0 एज इट इज, 8 आया आपका 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 4 आया 2 टाइम, 1 बज गया, 10 आया 5 टाइम, फिर 2 टाइम। फिर 2 के टेबल में ये 1 टाइम, 2 टाइम, 6 टाइम। फिर 2 के टेबल में 6 टाइम, 3 टाइम, 63 हो गया। 3 के टेबल में 63 आया आपका 21 टाइम, 3 के टेबल में 21 आया आपका 7 टाइम,
1 हो गया, यानी कि 108 के आपके ये फैक्टर हो गए। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, r इक्वल टू 108 की जगह 2 राइट करना है आपको 4 टाइम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 राइट करना है आपको 2 टाइम, तो ये 3 इंटू 3, फिर ये 7 1 टाइम, और एक 7 आपका यहाँ पे पहले से है। अब पैरिंग करके देख लो, तो आप यहाँ देखो इन दोनों की पैरिंग हो रही है, इन दोनों की पैरिंग हो रही है, इन दोनों की हो रही है और इन दोनों की हो रही है, यानी कि यहाँ पे सबकी पैरिंग हो रही है, तो रूट से सारी ही वैल्यू बाहर आ जाएगी। दो पैरिंग में से एक बाहर हो गया, इनमें से ये 2 आ गया, इनमें से ये 3 आ गया, इनमें से ये 7 आ गया। तो अब जब आप इसको मल्टीपल करोगे तो ये आ गया और 21 20 42, ये हो गया 84 मीटर। तो यानी कि रेडियस हमारी कितनी आ गई, 84 मीटर। अब सरकमफ्रेंस फाइंड करनी, क्योंकि हमें फेंसिंग करना है, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो नाउ लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल टू आपका क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा होता है 2πr। सर्कल में दो फॉर्मूले होंगे, एक आपका एरिया πr² होता है, और बॉर्डर फाइंड करने का यानी सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ 2πr। अब वैल्यू पुट कर लो, 2 एज इट इज, पाई हो गया आपका 22/7, आर अब भी आपने फाइंड किया यहाँ पे 84, तो 7 के टेबल में 84 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम आ गया, 1 बच गया 14, तो हो गया 2 टाइम। तो ये आप मल्टीपल कर लो, 22 इंटू 2 हो गया 44 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 48 का 8 कैरी 4, अगेन 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 4 हो गया 528 मीटर। इसका क्या हो गया, हमारा सरकमफ्रेंस आ गया, यानी कि ये जो बॉर्डर है उसकी लेंथ हमारी कितनी है, 528 मीटर है। तो 1 मीटर का रेट आपको गिवन है, आपको यहाँ पे बताना है कि 528 मीटर फेंसिंग करने के लिए जो वायर जो भी आप लेकर आ रहे हो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन को राइट करने का इस तरह से, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के लिए आपका कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज। तो देयर फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 528 मीटर, तो 50 इंटू हो जाएगा 520। एक का हमें पता है, ज़्यादा का हमें फाइंड करना है तो मल्टीपल कर देते हैं, तो ये याद रख लो, एक का गिवन, ज़्यादा का फाइंड करना है तो मल्टीपल करना है। तो 50 इंटू 528 हो गया, तो 0 एज इट इज़, 8 इंटू 5 आपका हो गया 40 का 0, 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 14, 4 14 का 4 कैरी 1, ये हो गया 25 प्लस 1 26 रुपीज़, यानी 26,400 रुपीज़ लगेंगे। तो हैंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 26,400 रुपीज़। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको सारे फॉर्मूलास अच्छे से पता है, तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।